जिसका एरिस में वीनस होगा, मतलब मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में, आपको बोला नहीं बोला, जब भी मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा तो गुड लुक आ जाएगा मुझे, ठीक है? तो अगर जिसका वीनस एरिस में होता है उसको वाइफ बहुत सुंदर मिल सकती है, अगर कोई मेल चार्ट है। अगर वो फेयर नहीं है, सुंदर नहीं है, मतलब सुंदर मतलब अगर फेयर रंग नहीं है, ग्लोइंग नहीं है ना, तो उसका नाक नक्शा और गढ़न जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। मतलब ओवरऑल अगर हम बोले तो अट्रैक्टिव बॉडी स्ट्रक्चर या फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है फीमेल का, मतलब आपकी वाइफ का, अगर किसी मेल के चार्ट में वीनस एरिस में है। ठीक है, आगे लिखिए। कुछ लोग दूसरों का पैसा बहुत इकट्ठा करते, कंजूस होंगे, ठीक है? दूसरों का पैसा इकट्ठा करने का मतलब, मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप किसी के चार्ट में वीनस एरिस साइन में देखो, उनको कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में मत बताइए, ये ध्यान रखिए। क्यों बताने के लिए मना किया गया? क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके पैसे पर अपनी निगाह रख सकता। मंगल आपको पता है एरिस जो राशि है ना, वो चोर की राशि भी है, और वीनस हो गया पैसा। तो जिसके चार्ट में वीनस एरिस में होगा वो दूसरों के वॉलेट पर, दूसरों के पैसे पर अपनी निगाह रखते हैं। अब पता चला आप आ गए कि हम भैया 2 CR कमाने लगे हैं, 3 CR कमाने लगे हैं ईयर का, तो अब वो आपसे जुड़ेगा किसी तरह, फिर आपसे फालतू की बातें करेगा, भैया हमें पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और आपका पैसा ले भी लेगा तो देगा भी नहीं, ठीक है? तो मतलब क्या है, दूसरों के पैसों पर निगाह होती है, दूसरों के पैसे को हथियाना चाहते हैं कौन, जिनका वीनस एरिस में होता है। आगे लिखिए। ऐसे लोग दूसरों से हमेशा पैसा मांगते रहते हैं या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि दूसरे उनको पैसा देते हैं। ऐसे लोग जिनके चार्ट में वीनस एरिस में होगा, उनकी पत्नी और व्हीकल हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है? दिखने में अच्छा व्हीकल होगा, दिखने में अच्छी वाइफ होगी, ठीक है? आगे लिखिए। ऐसे लोग जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, वो एलोपैथी या होम्योपैथी की दवा ले सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, क्योंकि वीनस मेडिसिन भी है, वो रिकमेंड कर देता है कौन सी मेडिसिन आपको चाहिए। तो जिसके चार्ट में वीनस एरिस साइन में होगा, तो एरिस राशि का मैंने अभी डिपार्टमेंट बताया, हेड डिपार्टमेंट है उसका, मतलब आपके चिन्ह से लेके हेड तक का जितना भी प्रोपोर्शन है वो सब वीनस मतलब एरिस साइन कवर करता है। इसलिए जिनके चार्ट में वीनस एरिस साइन में होगा, उनको अपनी लाइफ में कभी भी इन पार्ट से रिलेटेड दवाइयां खानी पड़ सकती। समझ आ रही बात? और चेक करके बताना जरा जिसके चार्ट में। उसके बाद लिखिए, क्योंकि फर्स्ट साइन जो है वो काल पुरुष की कुंडली में टॉप पे आता है। अंजू जी बोल रहे हैं यस, ठीक है, थैंक यू। इसलिए एरिस साइन जो है वो हाँ थायराइड, ठीक है। उसके बाद लिखे नेक, जिसके भी एरिस साइन में वीनस होगा, ठीक है, वो लोग हमेशा ओपोनेंट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे। अगर मेल है तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल दोनों एक ही जगह बैठे हैं। मार्स हो गया मेल और वीनस हो गया फीमेल, तो मतलब ओपोनेंट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा। बात समझ आ रही है? तो कभी भी आप अगर पराशरी ज्योतिष को भी अगर ध्यान में दोगे, तो ऐसा बोला गया मंगल वीनस इकट्ठे होते हैं तो अच्छा योग नहीं माना गया, मतलब चारित्रिक दोष आने का योग बन जाता है, ठीक है, फ्लर्ट का योग बन जाता है, ठीक है? तो ये बात फिट बैठती है, वाकई फिट बैठती है, ठीक है? आगे लिखिए। वीनस अगर टॉरस में, वृषभ राशि में, अपने ही घर में, अपनी राशि में, तो ये फॉर्चून हाउस है वीनस, पैसा बहुत अच्छा रहेगा, मतलब पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, रुके ना रुके वो बात की बात है, बट भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं पैसा आता रहेगा, क्योंकि 2 नंबर जो राशि है वो किस चीज की राशि है, फ्लो की है, कांस्टेंट की है,
ना, तो कैश लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन रहेगी, पैसा आता रहेगा ऐसे व्यक्ति के पास जिसका वीनस 2 नंबर राशि। इसमें भी गुड लुकिंग स्पाउस होगा, अब दोनों में गुड लुकिंग बोला गया, एक में बोला गया है भाई एरिस में भी बोला गया गुड लुकिंग और टॉरस में भी गुड लुकिंग बोला गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एरिस वाले का फिजिकल अप्रियंसेस बहुत अच्छा हो, फिगर अच्छा हो, और टॉरस वाले का एक्सप्रेशन अच्छा हो। बातचीत अच्छी होगी, बात समझ रहे हो आप? ठीक है, तो एरिस वाले का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा और टॉरस वाले का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। आगे लिखिए, अगर वीनस टॉरस साइन में होता है तो ऐसे लोग टॉप मॉडल ही व्हीकल परचेज करने की कोशिश करें। कोई सस्ती भी अगर गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका टॉप मॉडल लेंगे। एलोपैथी मेडिसिन सूट कर सकती है, थायराइड से रिलेटेड मेडिसिन खा सकता है अगर वीनस 2 नंबर राशि, या थ्रोट से रिलेटेड गले से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल सकती है वीनस 2 नंबर राशि। नेटिव फाइन आर्ट्स में इंटरेस्टेड होगा, क्यों इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि वीनस 2 नंबर राशि में ही जाके बैठे, म्यूजिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सिंगिंग हो गई, इन सब चीजों में इंटरेस्ट होगा क्योंकि वॉइस बहुत ब्यूटीफुल होगी ऐसे व्यक्ति की जिसका वीनस 2 नंबर राशि, क्योंकि गला है ना 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि में बैठा हुआ वीनस थ्रॉट अच्छा बहुत करता है और उससे रिलेटेड मेडिसिन भी खानी पड़ती है। एक बात ध्यान रखना, जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो रहें। अब आप लोग कहोगे सर मेरा तो वीनस 2 नंबर राशि में, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ऑस्पेक्ट्स हमेशा मैटर करेंगे, शनि जैसा ग्रह देख ले, मंगल जैसा ग्रह देख ले तो कौवे वाली आवाज बना देगा, कोयल गई मंगल काव काव करवाएगा सीधे, ऑस्पेक्ट मैटर करेगा। अगर मरकरी देख ले, जुपिटर देख ले, बात समझ आ रही है? तो कभी क्या होता है, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है, अभी प्रीवियस क्लास ही देखा, 7th में पड़ा हुआ प्लेनेट या ऑस्पेक्टिंग प्लेनेट हमेशा क्या करेगा, मॉडिफिकेशन कर देगा। तो ये भी चेक करो उस प्लेनेट के, जिस प्लेनेट को आप देख रहे हो उसके 7th में, और डायरेक्शनल चार्ट भी बनाओ, चेक करोगे मॉडिफिकेशन वाले प्लैनेट्स कैसे हैं, सपोर्टिव प्लैनेट्स कैसे हैं, पास्ट वाले प्लैनेट्स कैसे हैं, उससे पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है यहाँ। बात समझ आ रही है? एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाओगे, और नहीं तो मेरे से कहोगे सर आपने बोला लग नहीं रहा है, लगेगा नहीं, क्योंकि तो लगने के लिए और चीज लगानी पड़ेगी, लगने के लिए और चीज लगानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो ये क्या बोल रहे ममता जी, हैंड रेस किया आपने, बोलिए, और बीच में वैसे करिए नहीं, ममता जी बोलिए, क्यों हाथ उठाया आपने, बोलिए ममता। यस सर, जो आप अभी बात कर रहे हैं एकदम सही है, क्योंकि मेरा बेटा कहता है मम्मी तुम मत गाओ, प्लीज मत गाओ, क्योंकि मेरा वीनस वीनस को सैटर्न देख रहा है। मैं अगर जैसे सुबह प्रे करती हूँ ना तो कहूँ मम्मी प्लीज अपने पर में गा लो, आवाज बहुत खराब, मतलब इच्छा होगी बट वॉइस वैसी निकलेगी नहीं। यस सर, वॉइस अच्छी नहीं है, हस्बैंड बहुत अच्छा गाते, कहते पापा के लिए छोड़ दो, मम्मा प्लीज तुम मत गाओ। वेरी नाइस, तो रिहर्सल करिए, थैंक यू। यस ठीक है, आगे लिखिए, हमेशा ऑस्पेक्ट मैटर करेगा हर चीज में, मतलब वो चीजें बदल जाएंगी, ये जो आप देख रहे हो ना उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, और ये गलती आप हमेशा करते हो। ठीक है, तो अभी आपको डायरेक्शनल चार्ट पढ़ा दिया, उन चीजों पर भी अब ध्यान देके ही प्रेडिक्शन करना है। आगे लिखिए, तो हमेशा मैलिफिक ऑस्पेक्ट जो हैं वो चीजों को बदल देंगे कुछ ना कुछ। मार्स का अगर ऑस्पेक्ट होगा
वॉइस लाउड होगी, शाउटेड होगी और पावरफुल होगी। वीनस जेमिनी में है, अगर ये चीज मैंने बेसिक में नहीं कराई, आप याद है, इन चीजों को हमने टच भी नहीं किया, एडवांस में कुछ अलग चीज मिलेगी। वीनस इन जेमिनी, नेटिव कैन बी इन मीडिया इंडस्ट्री। एक बात और समझना, वीनस आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी है, जिस राशि में होता है वैसे पैसे आने के आसार भी बन जाते, ठीक है, उसको मैंने पहले बताया है बहुत कैसे आएगा पैसा, ठीक है। अभी और चीजों को समझिए और पढ़िए लिखिए। अगर सैटर्न का भी ऑस्पेक्ट हो और वीनस जेमिनी में हो, वीनस इन जेमिनी विद ऑस्पेक्टिंग सैटर्न, मेरी वॉइस ब्रेक हो ही नहीं सकती यशवर्धन जी, सही आ रही है ना, आपके नेट में प्रॉब्लम होगी। और सैटर्न का जो ऑस्पेक्ट आ रहा है वो सैटर्न ड्यूल साइन में होकर के ही ऑस्पेक्ट कर, एक कंडीशन है। तो ऐसे लोग जर्नलिज्म की प्रैक्टिस करते हैं, और अगर ये सेम कंडीशन बन रही है तो दो सोर्स से पैसा जनरेट होता है, दो सोर्स ऑफ इनकम्स होती हैं ऐसे लोग। एक प्रॉब्लम है, अगर वीनस जेमिनी में होगा तो पैसा बहुत जल्दी खर्च होगा, हाथ में पैसा रुकेगा नहीं, ये प्रॉब्लम होती है जिनका वीनस जेमिनी में होता है, पैसे कमाने के भी आसार बढ़ जाएंगे और पैसा रुकेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर फीमेल चार्ट हो, फीमेल कैसी होगी, ब्यूटीफुल होगी, रॉयल होगी, एक्सपेंसेस भी महंगे होंगे, खाना भी खाना है तो फिर थर्ड थ्री स्टार फाइव स्टार, मतलब अपने औकात से बाहर, किसी फीमेल के चार्ट में अगर हो तो वो अपने औकात से बाहर जाते, फिर ध्यान रखना ऑस्पेक्ट जो है वो मॉडिफिकेशन कर सकते, क्योंकि आपकी सेकेंड डॉटर और आपकी सिस्टर भी वीनस होती है, तो अगर जेमिनी में, पहले और लिखो ये थोड़ा सा और लिखिए, दो सोर्स ऑफ इनकम्स होंगे, दो व्हीकल्स होंगे, मेडिसिन सोल्जर से रिलेटेड खानी पड़ सकती है, हाथ से रिलेटेड खानी पड़ सकती है। और अगर फीमेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, अगर फीमेल के चार्ट में कॉम्बिनेशन हो तो ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, ड्यूअल पर्सनालिटी का मतलब बोलेगी कुछ, करेगी कुछ, दिखेगी कुछ, सोचेगी कुछ, ठीक है, ये होगा साथ में। आगे लिखिए, कैंसर, ये लाइन थोड़ा दो तीन काट देना, एक्सपेंसेस जल्दी हो जाते हैं, पैसा रुकता नहीं है, है ना, ये चीज लियो के लिए, यहाँ के लिए नहीं, मतलब मेरे निकल गया। कैंसर में लिखिए वाइफ विल बी गुड, अगर कोई मेल चार्ट है तो उसमें पत्नी उसकी बहुत अच्छी होगी, केयरिंग होगी, मदरली नेचर होगा, पैसा जल्दी आएगा और जल्दी जाएगा, कम फास्ट एंड गो फास्ट। ऐसे लोग गाड़ियां बहुत जल्दी खरीद लेते, मतलब को तुरंत गाड़ी खरीदने का मन है तो तुरंत खरीद ले बिना सोचे विचारे, इमीडिएट इंस्टेंटली, ठीक है, तो पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, फ्लो अच्छा रहता है जब भी वीनस कैंसर में हो, पानी की तरह पैसा बहता है, ध्यान रखिए। होम्योपैथी मेडिसिन सही है, हार्ट की, लंग की, चेस्ट की, ब्रेस्ट की मेडिसिन लेनी पड़ सकती, लियो में वीनस है तो वाइफ विल बी डोमिनेटिंग, डोमिनेटिव भी होगी और फैमिली में रूल करेगी, वीनस में जो भी लियो में जो भी प्लेनेट आएगा वो आपके घर में रूल करेगा, मतलब जिसका जुपिटर
लियो में होगा वो अपने घर में शासक होगा, वीनस अगर लियो में है तो पत्नी शासक होगी। तो मतलब क्या है, बनाई दो उसको, बुआ भतीजी रिश्तेदार हावी रहेंगे कब, जब मरकरी आपका लियो में हो, ध्यान रखना इसे। और आप उनकी नहीं सुनोगे तो आपको सुनाएंगे भी, तुम तो मेरी सुनते भी नहीं हो, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए। आगे लिखिए। ट्रू सर, थैंक यू। मतलब जो कुछ भी होगा, वो जो पत्नी ने लॉ बनाई है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उन्होंने कहा बैठो तो बैठो, खड़े रहो तो खड़े रहो। अक्षय कह रहे हैं, अक्षय जी कह रहे हैं वेरी ट्रू सर, थैंक यू। तो वो शासक है आपके घर की, वो उसके उसी का सब चलना है, ठीक है? ऐसा है लग रहा है इन्हीं के साथ, इन लोग। अच्छा। मतलब पत्नी अपने हाथ में सब कुछ रखती है, बिना उससे पूछे छींक भी आएगी ना तो उसको दिक्कत होगी। छींका क्यों आपने, परमिशन ली मेरे से, समझ गए? ये नेचर होता है। हाँ, लेडी के चार्ट में तो उसका नेचर ही ऐसा होगा। आगे लिखिए। एलोपैथी मेडिसिन सूट करती है ऐसे लोगों को, लियो में दो तीन प्लांट रहे तो सबके लिए ले सकते, है ना? स्पाइन या स्टमक से रिलेटेड आपको मेडिसिन खानी पड़ सकती है लियो में, जो स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन में जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, रीढ़ की हड्डी में, वो लियो के अंतर्गत आता है। मतलब जिनके चार्ट में वीनस 5 नंबर राशि में होगा, उसको व्हीकल कैसा चाहिए, उसको व्हीकल हाई क्लास चाहिए। रॉल्स रॉयस हो गई, अगर छोटे में भी सोच रहा है तो कम से कम स्कॉर्पियो एन तो हो ही हो, नहीं तो फिर लेंगे ही नहीं। मतलब तो समझ रहे हो, हाई क्लास व्हीकल चाहिए, रॉयल व्हीकल चाहिए। अब इसमें आएगा नेटिव जो है जल्दी खर्चा कर देता है पैसा, कैश में कैश का फ्लो नहीं रहता, बाद में पछताता भी है कि मेरे पास इतना पैसा आया और चला गया, कोई ढंग का काम नहीं, बाद में दिक्कत। दिक्कत का प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो काम आपका 10 रुपए में चल सकता है उसके लिए 1,000 बर्बाद कर दोगे पैसा आते ही, ठीक है? तो रॉयल चीजों में मतलब पैसे की तो छीछा लेदर कर दी आप। अगर आपके पास 1,000 है तो 1,000 के हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए ना, कि भाई अब हमें हमारी नीड कितने में फुलफिल हो रही है। बट होगा क्या, 1,000 आते ही जो तो सबसे जरूरी चीज होगी वो सबसे महंगी खरीद लेगा आज, तो फिर प्रॉब्लम यहीं से चालू होगी, ठीक है? डॉटर एंड सिस्टर डोमिनेटिव होती हैं। वाइफ अगर फीमेल के चार्ट में होगा तो ब्यूटीफुल होगी, रॉयल होगी, रॉयल एक्सपेंसेस करने वाली होगी, ठीक है? वीनस इन वर्गो एज पर पराशरी ज्योतिष नीच का होता है, ठीक है? बट इसमें और चीजें आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नीच ही होगा। वाइफ विल बी स्टबर्न डोमिनेटिंग, या तो पत्नी किसी की सुनने वाली नहीं होगी, और अगर सुन भी लेगी तो भी अपने हिसाब से करेगी। वीनस अगर वर्गो में, और जुपिटर अगर वर्गो में होगा तो जातक ही वैसा होगा, बात समझो, वहां जिस प्लेनेट को रख दोगे वो प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी वैसी हो जाएगी, बात समझिए। एसेंस को समझने की कोशिश करिएगा हमेशा। तो वाइफ किसी की सुनने वाली नहीं होगी पहले तो, चाहे बुआ को बैठा लो, चाहे फुफा को बैठा लो, चाहे उसके सास ससुर को, मतलब उनके अपने मायके वालों को बैठा लो, भाई को बैठा लो, अगर उसने कुछ डिसाइड कर लिया तो कर लिया, वो सुनने वाली नहीं है किसी का। और अगर करेगी भी, सुन भी लिया आपके दबाव में, तो भी वो अपने मन का ही करने वाली, ठीक है? हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन सूट कर सकती हैं ऐसे लोगों, राइट सर, थैंक यू। ऐसे लोग
मेडिसिन्स खाते हैं, या तो छोटी खाते हैं मेडिसिन, बड़ी खाते हैं या छोटी खाते हैं, तो ज्यादा दिन तक खाते हैं, इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी। ठीक है, स्टेप्स में मेडिसिन खाएंगे, 2-3 बार में खाएंगे, बात समझ रहे हैं आप। मरकरी है ना, टिनी प्लेनेट है, छोटा, स्टेप्स आगे लिखो। 2 व्हीकल्स हो सकता है, क्योंकि ड्यूअल साइन है, 2 व्हीकल में भी। अच्छा, ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है कि जिनके चार्ट में वीनस वर्गो में होगा, वो व्यक्ति पहले एक गाड़ी खरीदेगा और एक गाड़ी खरीदते दूसरी को गाड़ी खरीद, जितने ये राजनेता हैं और जो लोग आप देखोगे ना, पहली खरीदी फिर बैक टू बैक जो व्हीकल्स परचेज करते हैं वो वीनस वर्गो वाले होते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो, वीनस तो व्हीकल ही है ना दोनों के चार्ट में, बैक टू बैक व्हीकल परचेज करेंगे, कोई एक साथ दो दो गाड़ी खरीदें, या एक खरीदें फिर दूसरी भी ले आए, ऐसा हो, फ्लो ऑफ मनी अच्छा होगा, पैसे को केयरफुली। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कार खरीदी तुरंत एक बाइक भी खरीद ली, ऐसा भी हो सकता है। पैसे को बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं ऐसे लोग, मनी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एक्सपेंसेस जो हैं वो होते रहेंगे। लिब्रा में अगर हो वीनस, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वीनस भले लिब्रा में बहुत अच्छा माना जाता है बट वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है यहाँ पे बैठे। फीमेल चार्ट में अगर होगा तो जो मंथली साइकिल होता है उसमें दिक्कत कर सकता है। चेक करके बताइएगा कभी आपके जान परिचित में कोई चार्ट ऐसा आया तो। ये बहुत आम समस्या देखी गई है फीमेल्स के लिए, वीनस अगर लिब्रा में है तो कहने को तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ना, बट कहीं ना कहीं उसके प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। यस इज करेक्ट, थैंक यू। अगर मेल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बना है, 2 लोगों ने हाँ बोली, ठीक है, अगर मेल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बना है तो जातक सुंदर और अट्रैक्टिव फीमेल से विवाह करता है। करेक्ट सर, ठीक है, थैंक यू। हम जो बोल रहे हो करेक्ट ही है, आपका आंसर हम इसलिए लेते हैं, ये जो 100-150 लोग बैठे हैं ना इनको थोड़ा समझ आए कि हाँ सही बताया हमारी तरफ से तो कंफर्म है। ठीक है, आगे लिखिए। अगर अगर वीनस लिब्रा में है एक बात सबसे पते की है, उसका डेवलपमेंट आफ्टर मैरिज हो, ये कंफर्मेशन, शादी से पहले उतना विकास नहीं होगा जितना वो हो सकता है, शादी के बाद ही एक्चुअल ग्रोथ होती है जिनका वीनस लिब्रा में हो, मेल के चार्ट। ठीक है, जिसके चार्ट में, मेल के चार्ट में अगर वीनस लिब्रा में है तो सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होगा, और ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तो और लोगों का लॉस होगा, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, बट आप ये समझ लीजिए अगर किसी मेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बना हो, लिब्रा में वीनस हो, तो किसी कम उम्र की, बहुत कम उम्र की लड़की से वो सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन करता है और वो मना करती है, 100% ये कंफर्मेशन। और ये बात बोला गया है जिसके चार्ट में वीनस के साथ, वीनस लिब्रा में बैठा हो
ऐसे बूढ़े के साथ भी अपने बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए, दादा के साथ, नाना के साथ, चाचा के साथ, फुआ के साथ, कोई जरूरत नहीं है फुफा। क्लियर हो रही है कुछ बात? इवन दादा दादा और नाना के साथ भी मना किया है शास्त्र। आगे लिखो, चरित्रहीन नहीं कह सकते बट ट्रू एक चार्ट है में भी। ठीक है, अच्छी बात। आगे लिखिए, म्यूजिक सुनने का शौक होता है, फाइन आर्ट म्यूजिक इंडस्ट्री से व्यक्ति जुड़ा रहता है जिसका वीनस 7 नंबर राशि, किसी भी तरह की मेडिसिन खानी पड़ सकती है, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड। आजकल आदमी ऐसे ही कुछ मेडिसिन खा लेते हैं ना, आप समझिए मैं किस लेवल पे जा रहा हूं, तो वो सब खाना पड़ सकता है। आगे लिखिए, वीनस इन स्कॉर्पियो, अच्छा चार्ट है ये, इसमें भी फीमेल गुड लुकिंग होगी, और अगर मेल का चार्ट है तो वाइफ गुड लुकिंग। ये भी दूसरों का पैसा एंजॉय करते हैं, वहां निगाह रहेगी ये एंजॉय करेंगे, अब कैसे करेंगे भगवान जाने, वो आप लोग चेक करो। दूसरों का पैसा एंजॉय करेंगे, कैसे करेंगे वो आप जानो। ठीक है, आगे, अगर किसी फीमेल के चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो यूटरस रिलेटेड मेडिसिन खानी पड़ सकती है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर मेल का चार्ट है। ऐसे लोग जिनका वीनस 8 नंबर राशि में हो उनको पैसा नहीं देना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे लोग दूसरों के पैसे के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, एरिस वाले को बताना नहीं चाहिए, स्कॉर्पियो वाले को देना नहीं चाहिए, या उतना दो जितना चला भी जाए तो आपको गम ना हो, ध्यान रखना इस बात को। फिर मैं एक बात बोल रहा हूं, प्लैनेट्स के ऑस्पेक्ट मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मान लो वीनस किसी का लिब्रा में हो तो आप ऐसे ही कहोगे कि भाई तो गलत है, मतलब जुपिटर जैसा प्लैनेट ऑस्पेक्ट कर दे, ऐसा करने से पहले भगवान की कुछ प्रेरणा हो जाएगी, यार बच्ची क्या ही सोचना क्या ही करना, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं से आपका माइंड जो है वो चेंज हो सकता, या कोई आकाशवाणी हो सकती है, या कुछ मन में ऐसा आ सकता है, तो हमेशा ऑस्पेक्ट जो होगा वो मॉडिफिकेशन करेगा, इस बात को नहीं भूलना है, और किसी को ऐसे बोलना भी नहीं है ना। हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, और भी सिनेरियो और भी चीजें चेक करी जाती है, और भी तरीके हैं इन सब चीजों को। जब आप यही चीज चेक करने बैठे हो कि भाई हम चरित्र ही चेक करेंगे इसका, तो उसमें और भी सिनेरियो होंगे, भले एक ही चीज को ध्यान में रख के प्रेडिक्शंस नहीं होते, इस बात का बहुत ध्यान रखिए, बात समझ रहे हैं आप? और ऐसे किसी को प्रेडिक्शन देना भी नहीं, और प्लैनेट्स के ऑस्पेक्ट्स भी देखिए, और भी चीजें हैं वो भी चेक करिए, देन उसके बाद आप प्रेडिक्शंस। क्लियर हो रही है बात? आगे लिखिए, वाइफ स्टबर्न होती है, इसमें भी वर्गो से बेटर है बट है प्रॉब्लम थोड़ी। ठीक है, मोर अबाउट चरित्र, अभी रुक जाओ, अभी बहुत सारी जगह बताएंगे अर्चना जी, वेट करो थोड़ा। ठीक है,
इसी पे पूरा एक टॉपिक ही ले आ देंगे, चिंता करने का क्या ही मतलब है। आप ऐसी जगह बैठे हो, कल्प वृक्ष है, सब मिलेगा। ठीक है, आगे आगे लिखिए। वर्गों में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी फीमेल के साथ, बट यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, थोड़ी सी इसमें हो गई। लेकिन वर्गो क्या है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो टॉलरेट टाइप का है, समझ रहे हो? सेजिटेरियस, वीनस इन सेजिटेरियस। नीलम जी क्या बताएं, क्या मैसेज किया आपने? आयुर्वेदिक मेडिसिन्स विल सूट, जी सोनिया जी बोलिए। नमस्कार सर, कल एक चार्ट देखा यहाँ कनाडा में ही, लड़की है करीब 22 साल की, उसके 4th हाउस में शुक्र, राहु और मून तीनों बैठे, नहीं शुक्र राहु बैठे हुए हैं और मार्स जो है उसकी आस्पेक्ट आ रही है, 4th हाउस को देख रहा है मार्स। सर मैंने उस बच्ची से पूछा, मतलब मेरे लिए तो बच्ची थी, मैंने कहा बेटा घर में कभी किसी ने आपको ऐसे हरास किया हो कि आपकी बैड मेमोरीज बन गई हो? तो सर वो फूट फूट के रोने लगी, तो क्योंकि साइन कौन सा था? सर इसमें नीच का शुक्र जिसे हम बोलते हैं पराशरी में, वर्गों में था, राहु और शुक्र दोनों 4th हाउस में थे और और मार्स पास वर्ग लगी। मार्स की आस्पेक्ट थी। सर वो इतना रोने लगी, बहुत मुश्किल से मैंने उसको चुप कराया और मैंने फिर पूछा तो उसके स्टेप फादर ने ही उसको हैरास किया, जिस वजह से वो 15-16 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, चली गई और अभी उसी के साथ वो रह रही है। क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज में सर स्टेप फादर स्टेप मदर इनके बड़ा अजीब सा कल्चर। बहुत नॉर्मल है वो। हाँ तो मेरे को बाद में सर मेरे दिल पे ना कल से ही बोझ है कि मैं इस बात को ज्यादा अच्छे ढंग से पूछ सकती थी। मुझे बड़ा पीड़ा महसूस हुई बीइंग ए लेडी, मुझे बहुत फील हुआ कि उस बच्ची ने, उसने बोला 5 इयर्स, 5 साल उसने वो नरक झेला, शुक्र वर्गो में 4th हाउस में राहु के साथ और मार्स उसको देख रहा है। दोनों ही हैरेसिंग प्लैनेट्स हैं ना, वीनस के विद रेस्पेक्ट। बिल्कुल थैंक यू, आगे लिखिए। वीनस इन सेजिटेरियस, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो सूट कर सकती हैं। थाई से रिलेटेड मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं आपको, वाइफ थोड़ी सी पायस हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, और नेटिव भी थोड़ा रिलीजियस हो सकती है। व्हीकल कम होंगे या नहीं होगा वीना जब सेजिटेरियस में होगा, या वाहन लेने का मन नहीं करता कभी। वाइफ विल बी गुड पर्सन, वीनस इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन क्या होगा, इंपॉर्टेंट पर्सन होगी आपकी फीम वाइफ स्मॉल एरिया में, अगर मेल चार्ट है, मतलब लोग उसी से राय सलाह लेके ही काम करेंगे, उन्हीं को आगे करेंगे कि आप ही करो, आप ही शुरुआत करो किसी चीज की। मनी फ्लो अच्छा होता है,
ठीक है, मनी फ्लो अच्छा रहेगा, मे बी प्रोबेबिलिटी है जो तीथ है वो इरेगुलर हो, वीनस अगर कैप्रिकॉन में, या कभी कभी दांत के ऊपर दांत चढ़ा होता है तो थोड़ा सा एकदम प्रॉपर शेप होना मुश्किल है, थोड़ा सा कोई और प्लैनेट देख ले बात अलग है, बट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेचर होगा, रूलिंग नेचर होगा, जिसके चार्ट में वीनस कैप्रिकॉन में होता है वो दूसरे का व्हीकल यूज कर सकता है, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हो या किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा हो कि कंपनी ने गाड़ी लगा दिया उसके लिए, ठीक है, तो मे बी प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे का वाहन यूज करे वो, दूसरे का वाहन इन द सेंस मतलब दूसरे का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कोई उसको कर दे कि भाई मेरी गाड़ी लेके जाया करो, कोई दोस्त यार बोल दे भाई मेरी गाड़ी रखी है इसको कभी भी यूज कर लो, इस तरह की चीजें हो सकती। कोई भी मेडिसिन सूट कर सकती है, नी से रिलेटेड, नी का जो कैप होता है उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन खानी पड़ सकती है। राइट सर, मंजरी बोल रही, थैंक यू। ठीक है, एक्वारियस में अगर वीनस है तो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी होती है वाइफ, मूड स्विंग कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, अपने पति पर विश्वास नहीं करेगी अगर एक्वारियस में किसी का वीनस है, और पत्नी के दोस्त यार भी अच्छे नहीं होते, कान भरने वाले होंगे, उसकी घर में उसकी वजह से घर में कलह रहेगी। होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन सूट करेंगी तो काल से या नर्व से रिलेटेड आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है एक्वारिस में अगर वीनस। पैसे का लॉस बहुत जल्दी होता है जिनका वीनस एक्वारिस में, और जैसे मैंने कैंसर में बोला था वैसे यहाँ पे भी व्हीकल बहुत जल्दी खरीद सकते हैं सर। मेडिसिन में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक सूट करती हैं, काव्स एंड नर्व से रिलेटेड मेडिसिन लेनी पड़ सकती। वीनस पाइसेस में हो, वाइफ गुड पर्सन एंड सर्विंग नेचर, प्रकृति को प्रकृति की सेवा करने वाली होगी पर वीनस अगर उच्च का है आपके चार्ट, जिसके चार्ट में शुक्र उच्च का हो, विवाह के बाद बहुत तेजी से डेवलप होता है वो व्यक्ति, बहुत तेजी से डेवलप। ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट होगा 100%, ओके ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट होगा ना वो ऐसे होगा कि मतलब पहले कुछ नहीं था, अब शादी होते ही क्या हो गया भगवान जाने, फॉर्च्यून लेके आती है वाइफ। फॉरेन लैंड्स जो है वहां का ट्रेवल होता है वो भी अच्छी हाई क्लास या गुड क्लास बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है वीनस अगर 12 नंबर राशि में बैठो, मतलब विदेश की यात्राएं होती रहेंगी। ठीक है, व्हीकल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दवा सूट कर सकती है, फीट से रिलेटेड मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, अर्थराइटिस से रिलेटेड चीजें मेडिसिन आपको लेनी पड़ सकती है। वीनस अगर उच्च का है किसी के चार्ट में तो शादी जब होगी तो जो डेवलपमेंट अभी उसका दिख रहा है मल्टीपल हो जाएगा कम से कम 10x। ठीक
10x, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जल्दी शादी कर लो, मैं ये कहूंगा जो भी आपकी अभी स्थिति है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी आफ्टर मैरिज। बात समझ रहे हैं आप? हाँ